have a short segment of poetry very exclusive segment of poetry um, i know we do have many poets uh, in our room uh, i probably are not going to uh, call everyone because tomorrow we'll have a full fledged mushaira so tonight we'll have a little taste of what we uh, will get tomorrow and uh, to begin with, uh, I'll more uh, focus on, on our guest poets. To, to begin with, and mostly this session would be in, in Hindi, Urdu, uh, Sindhi, Kashmiri uh, languages. So I'll begin with our guest poet, Mr. Amit Bajaj, who came from the US. मिस्टर अमित बजाज इज़ अ गुड रिनाउन्ड उर्दू पोइट एंड वी हैव वन गजल और वन पोए फ्रॉम ई पोएट हु आइल कॉल ऑन द स्टेज अमित जी आइए अपनी शायरी सुनाइए बहुत शुक्रिया ताहिर सर और हलीमा मैम इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव मैं बहुत ऑनर्ड हूँ इसका uh, पार्ट बनने के लिए मैं जब भी uh, टोरंटो आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आया हूं आ, तो बिना बिला तखिर मैं मतलब है कि यह उनकी आंखों में अक्सर दिखाई देता है यह उनकी आंखों में अक्सर दिखाई देता है कि हमको आपसे बेहतर दिखाई देता है ये उनकी आंखों में अक्सर दिखाई देता है कि हमको आपसे बेहतर दिखाई देता है जिसे निकाल के लाए थे रोशनी में हम जिसे निकाल के लाए थे रोशनी में हम अब उसका साया भी हम पर दिखाई देता है शुक्रिया और अजीब हैं मेरी आंखें उसी को ढूंढती हैं अजीब हैं मेरी आंखें उसी को ढूंढती हैं जो बंद आंखों से बेहतर दिखाई देता है और छुपेगा क्यों कोई अपनी बनाई दुनिया से छुपेगा क्यों कोई अपनी बनाई दुनिया से दिखाई देता है अक्सर दिखाई देता है बहुत शुक्रिया और कभी कभी मैं ये आँखें अमल में लाता हूँ कभी कभी मैं ये आँखें अमल में लाता हूँ ज़्यादातर मुझे छू कर दिखाई देता है ये उनकी आँखों में अक्सर दिखाई देता है कि हमको आपसे बेहतर दिखाई देता है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया अब मैं कश्मीरी ज़ुबान सुनना चाहता हूँ और विद्या विद्याभूषण यहाँ पे मौजूद हैं मुझे याद है कि एक किसी ने मैं नाम नहीं लेना चाहता कश्मीरियों का एक कश्मीरियों के नाम पे फंक्शन किया विद्या जी आते जाएं तो विद्या जी और मैं वहाँ पहुंचे मुझे तो आती नहीं तो इन्होंने कहा आप सब जाली कश्मीरी हो मैं कश्मीरी बोलता हूँ तो कश्मीरी आज सुनेंगे विद्या जी से तार भाई बहुत शुक्रिया सभी आमंत्रित प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार मैं विद्याभूषण धर अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ आप सबके सामने मुखाजुब हूँ कश्मीरी जबान के बारे में मैं क्या कहूँ कश्मीरी भाषा की जो लिपि है शारदा उसमें दो लैंग्वेजेस निकली हैं पाली और गुरुमुखी और लिटरेचर की बात अगर हम कहें तो वेद प्रिवेद काल से जितने भी महान कृतियां हुई हैं काल में वो सारी कश्मीर में लिखी गई हैं। बिना समय गवाए मैं एक कश्मीरी गजल गाने की कोशिश करूंगा यू लाइक इट बहाव हस दिल सुन चीरी हस दिल मैं गो सुयार आसुन बागा दिलुक सजबीत चुल बागवान रूशी बागा दिलुक सीत चुल बागवान रूशी अडल गुलाब कत्या या गोसुम शुमार आसुन चीरी बव हस दिल मैं गोसुम सुयार आसुन बुजमू बमार क्या वी से लाज बुझम बेमार कत्या चनी शया बुथ चरा वह बुगुसू बेमार आसु चीरीद बहाव हस दिल मैं गार आसु आखिरी शेयर शरछुम वन्य शर शरछुम वन्य मरमा यथ चान्य ब्रांद कन््य तल मैं गुसुम मजार आसु चीरी बहाव हस दिल थैंक यू खूबसूरत उर्दू के खूबसूरत लहजे की शायरा सीमा नकवी हमारे पास मौजूद हैं उनसे भी हमें गज़ल सुनना चाहेंगे सीमा जी आइए मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ताहिर भाई और हलीमा का और इस खूबसूरत महफिल का और वो तमाम मेहनत जो ये लोग अदब की फ़र के लिए कर रहे हैं इसके लिए ये बहुत काबिल तहसीन सताइश हैं चंद अशार बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी। हिज जब तय है तो बेकार ना हज चत करना हिज जब तय है तो बेकार ना हज चत करना जाने वाले को बहुत प्यार से रुखसत करना और वो वो जो भेजे थे तेरी मस्त निगाहों ने प्याम वो जो भेजे थे तेरी मस्त निकाहू ने प्याम एक बार और ज़रा उनकी वजाहत करना और सबके हाथों में ये एजाज मसीहाई कहाँ सबके हाथों में ये एजाज़ मसीहाई कहाँ एक ही लम्स का मनसब है करामत करना और इसका मकता दिखेगा कि हमको आदाब मोहब्बत नहीं आते सीमा हमको आदाब मोहब्बत नहीं आते सीमा हमको बस टूट के आता है मोहब्बत करना हमको बस टूट के आता है मोहब्बत करना हिजप तय है तो बेकार ना चत करना जाने वाले को बहुत प्यार से रुखसत करना बहुत शुक्रिया मैं भी मानुषी चैटर्जी से कह रहा था कि कुछ बंगाली में हमें सुनाइए उन्होंने कहा वो तो मेरे पास नहीं है मैंने कहा फिर हिंदी भी चलेगी जी मानुषी चैटर्जी बहुत ही वेल नोन पोइट और सीजन पॉइंट थैंक यू धन्यवाद ताहिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया और इस इनिशिएटिव के लिए सबसे पहले मैं आपको हलीमा जी को और टैग टीवी को बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ में खूब सारा प्यार खूब सारा तरक्की करे ये और आगे और भी बहुत बहुत सारे जिस तरह से सभी ने कहा है उसी तरह का एक मकाम पर पहुँचे इसी की कामना के साथ मैं एक माँ के ऊपर सुनाना चाहूँगी सबकी माँ होती हैं मेरी भी माँ हैं अब नहीं रही, लेकिन जब माँ चली गईं तो मुझे लगा कि माँ से बड़ी गुरु और कोई नहीं माँ हमारी सबसे पहली गुरु होती हैं इसलिए मैं माँ पर एक गीत कहें भजन कहें माँ तो पूजा के लायक होती है तो हम इसे भजन भी कह सकते हैं माँ तुम प्रथम नी गुरु मेरी मा तुम प्रथम बनी गुरु मेरी तुम बिन जीवन ही क्या हो तुम्हारे पहली नींद छाओ तुम्हारे पहला पग भी उंगली थामे चला भूमि पर उसी सहारे बिन माँ के है

जिहा पर भी प्रथम मंत्र का उच्चारण तो माही होता शिशु हो युवा हो वृद्ध हो चाहे दुख में माँ की सिस की रोता द्वार बंद हो जाए सारे द्वार बंद हो जाए सारे माँ के द्वार न होती तेरी माँ तुम प्रथम बनी गुरु मेरी आखिरी बंद माँ की पूजा विधि विधान क्या फूल न चंदन मंत्र सरल सा प्रेम पुष्प अंजुरी में भर कर माँ के चरणों अर्पित कर जा आशीषों की वर्षा ऐसी, आशीषों की वर्षा शे बचे गगन में मंगल भेरी माँ तुम प्रथम बनी गुरु मेरी तुम बिन जीवन ही क्या होता तुम बिन जीवन ही क्या होता सूखा मरुथल रात घने से पहले कि सिंधी की तरफ जाऊं पंजाबी की एक छोटी सी नजम मैं सुनाता हूं एक पंजाबी फोरम कनाडा जिसमें चटा साहब भी हैं हथियारा साहब भी सारे दोस्त तो उसमें चार हम डायरेक्टर थे जब हमने बनाया अनवर भट्टी पीटर भट्टी महेंद्र भट्टी दिलजीत दिल भट्टी सब बट्टी थे फिर मैंने चार गिल इकट्ठे किए स्टीफन गिल हमीद गिल और इसी तरह दो और कहल थे ਹਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸੇ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਏ ਪਾਵੇਂ ਬੁੱਲਾ ਵੇਖੇ ਪਾਵੇਂ ਈਸਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਏ ਪਾਵੇਂ ਬੁੱਲਾ ਵੇਖੇ ਪਾਵੇਂ ਈਸਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਬਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ ਪਰ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੇਲ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਸੁਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਸੁਪਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਏ पामे बुला देखे पामे ईसा मैं बेनती करूँगा दरख्वा करूँगा एक ऐसे शायर से जो न्यूयॉर्क से ख़ास तौर पर हमारे पास तशरीफ़ लाए जो साउथ एशिया की हिस्ट्री में एक बड़ा नाम रखते हैं बेनज़ीर भट्टो पे उन्होंने जो शायरी की वो इस वक्त वायरल है इस वक्त नहीं दहाइयों से वायरल है और सिंधी में और उर्दू में शायरी बहुत उम्दा करते हैं कल तो हम इन्हें तफसील से सुनेंगे आज मेरी बिनती है हसन मुशतबा साहब से जो बी बी सी के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए भी काम करते हैं कि वो आएं और सिंधी का कलाम हमारे साथ शेयर करें हसन मुशतबा साहब आपकी मोहब्बतें तायर साहब हली जी और तमाम दोस्त हम उस देश के बासी हैं जिस देश में सिंधु बहता है और सिंधु जो है लद्दाख से लेकर कराची तक है तो ये जो है सिंधी की नजम है हेमू कलानी पैर शायद बहुत सारे यहाँ दोस्तों को पता हो और कुछ लोगों को बहुत सारों को नहीं हो तो भगत सिंह की तरह हेमू कलानी भी एक नेशनल हीरो था और ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ा था और उसे पाकिस्तान ने तो रिकग्नाइज़ नहीं किया इंडिया में वो नेशनल हीरो है उसकी माँ नेशनल हीरो की माँ है हेमू कालानी टिकट भी उसके नाम जारी हुआ था तो हेमू कालानी पे नजम है जेल जी सीखुन मथा जो चंड आए जण नढ़ो ही खंड आए जेल जी सीखन मथा जो चंड आए जण नढ़ो ही खंड है बंदूक सां घायल कंवर जो मुख आहे ॼण सदियुनि जो दुखु आहे सिंध जे आकाश ते ॼण प्रे जा बस प्रे जा पार आहिनि राबेल जी ख़ुशबू हवा में वार खोले थी रोए रोए ॼण पिर जा पार आहिनि हुन जा जेके यार आहिनि हुनजे जोभनि जो, जो खणी सोगंध विढ़नि था सिंध में हू चवनि था सिंध में योमे सिंध में योमे लाश केॾा था किरनि आकाश जेॾा था किरनि लाश केॾा था किरन आकाश जेॾा था किरन हू चवनि था सिंध में योमे हिसाब सिंध में योमे हिसाब हम मगर मुंहिंजो हमशहर ऐं हमर हम हेमू कालाणी मगर हम मगर मुंहिंजो हमशहर ऐं हम नगर हेमू कालाणी मगर जो हेमू कालियाणी मगर चेल कीजिए खेकर चोटी चढ़े फाही चढ़े तो जेल जो एक संतरी बाइबल पढ़े तो फ्रंगी राज जो गौरव कुतो भोंके पयो सोराज जो सूरज परे आेतरों रेल की पटड़े पौचण का आगे रल की पटड़ियों पोचण आगे अगे जे मन में छा हुयो, काश को जाने सके सिंध के इतिहास में और अगर इजाज़त हो एक मुख्तसर सी नज़म है उर्दू की अगर इजाज़त हो तो पानी तो बस पानी है इसका इसका है इसका अनवान है प्याला भर पानी पानी तो बस पानी है न हिंदू है न मुस्लिम है न ईसाई यहूदी सिख पानी तो बस पानी है पानी करबला की एक अलामत है हवाओं में अलम अब्बास का बनकर यूँ लहरा है वफ़ा का इश्हारा है पानी जंग भी है और अमन भी है पानी जंग भी है और अमन भी है पानी ननकाने साहब में गुरु नानक का जन्मन है पानी पंजा साहब है हसन अब्दाल है पानी पानी एक औरत है पवित्र है पानी एक औरत है पवित्र है पानी आसिया बीबी भी, भी पानी गंगा है जमुना ब्रह्मपुत्रा करनाफली और नर्मदा भी है जिनको खून के दरिया बनाया था कि कल तुमने पानी रावी है और चना भी है प्यार का कच्चा घड़ा है जिस पर तैर कर सोनी सजन के पार जाती थी गली के यार जाती थी सिंधु सागर भी पानी है उडेरो लाल भी पानी और झूले लाल भी पानी न काफ़र है नमोमन है पानी बस तो पानी है बहुत शुक्रिया हसन भाई और हम जो जब दूसरी भाषाओं की पोइट्री सुनते हैं तो समाइम हमें समझ नहीं आ रही होती मगर उसकी जो लिटरेरी लैंग्वेज है वो हम तक पहुंच रही होती है और यही साउथ एशियन लिटरेरी फेस्टिवल का मकसद है uh, मुझे पता है कि हमने इस इवेंट को इन नेक्स्ट टेन फिफ्टीन मिनट्स में वाइंड अप करना है तो हमारे पास फोर पोइट्स हैं शायद एक गुजराती की पोइट पोम uh, है जो मुझे महिंद्रा भाई कहते हैं uh, पढ़ना चाह रहे हैं दादू भाई जी जी दादू भाई जी आइए और उनके बाद सिर्फ तीन हैं और हम पूरी कोशिश है कि दस से पंद्रह मिनट में ये वाइंड अप हो जाए थैंक यू अब

કરી મોહક પરિભ્રમણ વંદન ધરતીને કરી કરી મોહક પરિભ્રમણ વંદન ધરતીને કરી શાંત ચિત્તે સફરમાં મનોબળ એકઠું કર્યું પહોંચી ચંદ્રની સરહદે નાજુક ઉતરણ કર્યું પહોંચી ચંદ્રની સરહદે નાજુક ઉતરણ કર્યું માડી પ્રથમ ડગલું आलिंगन चंद्र ने करू माड़ी प्रथम डगलू आलिंगन चंद्र ने करू लहरावी तिरंगो ब्रह्मांड माँ देश ने गौरव अर्पण करहरा तिरंगो ब्रह्मांड देश ने गौरव अर्पण करू वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मैं शायद हसन साहिबा से गुजारिश करूंगा कि अपनी ये गजल सुनाएं शाहदा हसन की गल का जो मुकाम है, वो पूरे साउथ एशिया में बहुत ही तोाना लहजा है बहुत ही काबिल शायरा हैं कराची यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल भी रहीं अब रिटायर्ड लाइफ यहाँ गुजार रही हैं मोहतरमा शाह हसन साहिबा बहुत शुक्रिया कैनिडियन साउथ एशियन फेस्टिवल के मौके पर मुझे आप सबसे मुखातब होने का मौक़ा मिल रहा है बहुत ही खूबसूरत ये महफिल चल रही है और आ, हम शायर एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें हम सबसे दिल के और मोहब्बत के नाते कनेक्ट हो जाते हैं तो जितनी जबानों में हमने ये ख़ूबसूरत शायरी सुनी सब में एक ही मैसेज था और वो था इंसानियत और मोहब्बत और यही एक वाद रस्ता है हमारे सर्वाइवल का तो एक बार दिल्ली जाना हुआ था वहाँ एक महफिल में एक, एक चंद सुनाए थे वो अभी नज़र आ गए क्योंकि मुझे अब इतनी सारी चीज़ों में से कुछ सेलेक्ट करना ज़रा मुश्किल लगने लगा है तो मैं वो शाज सुनाती हूँ आपको आ, जो आज के दिन के हवाले से अपने सब दोस्तों को जो कि ज़बानों में यहाँ मोहब्बत की बातें कर रहे हैं इंसानियत की बातें कर रहे हैं तो चंद कि हमें क्या इन ज़मीनी फ़ासिलों से हमें क्या इन ज़मीनी फ़ासलों से हुनर तो मावरा है सरहदों से हमें क्या इन ज़मीनी फ़ासलों से हुनर तो मावरा है सरहदों से और गले लग जाएं तहज़ीबें पुरानी गले लग जाएं तहज़ीबें पुरानी दुआओं की तरह निकलें दिलों से दुआओं की तरह निकले दिलों से और अहले दर्द के रिश्ते पुराने अहले दर्द के रिश्ते पुराने मिले Sa... हैं अपनी अपनी नस्बतों से मिले हैं अपनी अपनी नस्बतों से और बदलना है ज़मी की किस्मतों को बदलना है ज़मी की किस्मतों को हमें कुछ खूबसूरत फैसलों से बदलना है ज़मी की क़स्मतों को हमें कुछ ख़ूबसूरत फैसलों से हमें बारूद की बू से है नफ़रत हमें बारूद की बू से है नफरत हमें, हमें वहशत लहू की बारिशों से हमें बारूद की बू से है नफरत हमें वहशत लहू की बारिशों से हमें तो खुशनुमा शामों की ख्वाहिश हमें तो खुशनुमा शामों की ख्वाहिश हमें क्या काम जहरीली रुतों से हमें तो खुशनुमा शामों की ख्वाहिश हमें क्या काम जहरीली रुतों से लिखें ताज़ा पयामे दोस्ती सब और ये मैं आप दोनों की नजर करती हूँ क्योंकि इतनी मेहनत से इतनी खूबसूरत नशस्त देखे। हलीमा और आप दोनों <स्थाँगा> लिखे ताज़ा पयामें दोस्ती सब गुलाबो यासमन की खुशबुओं से सभी के आशिया की खैर चाहें सभी के आशिया की खैर चाहें मोहब्बत है अगर अपने घरों से सभी के आशिया की खैर चाहें मोहब्बत है अगर अपने घरों से और सुनाने आए अपने फैसले हम सुनाने आए अपने फैसले हम न पूछा वक्त के इन मुनसिफ़ों से सुनाने आए अपने फैसले हम न पूछा वक्त के इन मुनसिफ़ों से और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं नए मंज़र मन्दर पुराने मंज़रों से बहुत ही ख़ूबसूरत लग रहे हैं नए मंज़र मन्दर पुराने मंजरों से और दहली में शेर कहा था तो मैंने कहा था कि ये दिल्ली है ज़मीन मेर गालिब ये दिल्ली है ज़मीन मेर गालिब चलो मिलने सुखन के आशिक़ों से चलो मिलने सुखन के आशिकों से हमें क्या इन ज़मीनी फ़ैसलों से और अशफाक हुसैन का थोड़ा सा मैं टाइम ले लूँगी दो चार शेर और सुनाऊँगी कि लब दिल नशी दुआ रखिए लब पे एक दिल नशी दुआ रखिए और इस जहन को खुला रखिए लब पे एक दिल नशी दुआ रखिए और इस जहन को खुला रखिए है मसीहाई एक बड़ा एजाज है मसीहाई एक बड़ा एजाज़ आप हर ज़खम पर दवा रखिए है मसीहाई एक बड़ा एजाज आप हर जख्म पर दवा रखिए सादगी से गुजारीए ये वक्त सादगी से गुजारिए ये वक्त आरजुओं को कम नुमा रखिए आरजुओं को कम नुमा रखिए कुछ मिलावट न कीजिए हरगिज ज़रे एहसास को खरा रखिए जरे एहसास को खरा रखिए और अपने ख्वाबों की रह गुज़ारों को खसो खाशाक से बचा रखिए अपने ख्वाबों की रह गुजारों को ख़सो ख़्वा से बचा रखिए और ख़ाक की तह को सौंपिए ख़दार आसमानों में रास्ता रखिए और ये आपके आ, कल की जो इतनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की तो उसका भी एक हवाला बनता है क्योंकि कासमी साहब ने भी यही कहा था कि इंसान अज़ीम है खुदाया तो इंसान ने अपनी अजमत का जो झंडा गाड़ा और तमाम हिंदुस्तानी दोस्तों को मैं दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने चांद की सरजमीन पर अपने झंडे गाड़े खाक की तह को सौंपिए खदोखार आसमानों में रास्ता रखिए रूह को रूह में सुमो दीजिए और जुदाई का हौसला रखिए शौक की रह गुजर है पाओ तले इस सफ़र में न इंतहा रखिए हरफो सोतो सदा की खुशबू में अपने बारे में सब लिखा रखिए बेबहा है मताय सोजे दुरू बेबहा है मतए सोज़े दुरू ये ख़जाना बहुत छुपा रखिए ये ख़ज़ाना बहुत छुपा रखिए पे एक दिल नशी दुआ रखिए और जहन को खुला रखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे टोरंटो की एक बहुत ही सदा बहार शख्सियत जिन को हमने एक छोटा सा अवार्ड आज दिया उनकी आ, लाइफ टाइम अचीवमेंट पे एक्चुअली जो अवार्ड हमने उनको दिया वो अवार्ड हमारे लिए है वो हमारी क्रेडिबिलिटी के लिए है मैं अशफाक हुसैन साहब से दरख्वास्त करूँगा आठवा से खसूसी तौर पर तशीफ लाए आज हम एक एक गज़ल ही आलमोस्ट सुन रहे हैं आ, कल का भरपूर मुशाहरा होगा छः बजे फिर वो गज़लों गज़ली होंगे जिसको हम पंजाबी में कहते हैं जी अशफाक हुसैन साहब एक मुख्तसर से नज़म है ये नज्म जब मैं पहले बार कैनेडा एहतियात से बयालीस तैतालीस साल पहले तो पहली नज़म हुई इसका अनमान है ऊंची इमारतों के मोहल्ले में जहाँ मैं हूँ ये रास्ता मैंने तस्वीरों में देखा था जहाँ मैं हूँ ये रास्ता मैंने तस्वीरों में देखा था ये सातों रंग में डूबी हुई सड़कें और इन सड़कों पे चलते लोग यूं लगता था जैसे मुट्ठियों में इनकी खुशहाली के जुगनू कैद हैं अपनी खुशी से इनके चेहरे मुस्कुराते रोशनी से जिंदगी से यह तस्वीरें छपी थीं पहली दुनिया के रिसालों में ये तस्वीरें छपी थीं पहली दुनिया के रिसालों में मैं इन तस्वीरों के सब जावियों को देखता रहता था हैरत से ये तस्वीरें सजी थीं मेरे ख्वाबों में ख़्यालों में मगर मैं आज इस दुनिया में इन ऊंची इमारत और इस रोशन मोहल्ले में बहुत गंदे से एक सबवे के पास हैरान खड़ा हूँ बराबर में बजाता है गिटार एक जिंदगी से खाली चेहरे वाला फ़नकार मैं मौसीकी के फ़न की दाँत दूं या उसके खाली हाथ में अपने पुराने ख्वाब की ताबीर दे दूं मैं उसको पहली दुनिया के रिसालों में छपी तस्वीर दे दूं शुक्रिया